नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है डिम्पल यादव को लेकर। बताते चले आपको, कयासों के आधार पर यह खबर है। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव से पहले या फिर लोकसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं गठबंधन के आसार नजर आ सकते हैं। लेकिन गठबंधन के आसार कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव अलग अलग दलों, अलग अलग पार्टियों के साथ मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कौन सी पार्टियां हैं? देखा जाए सुभाषपा की तरफ तो ओपी राजभर तो पूरे तरीके से श्योर है कि उन्हें बीजेपी के साथ ही जाना है। मायावती गठबंधन नहीं करना चाहती। यहाँ पर पल्लवी पटेल की बात की जाए तो वो भी नाराज नजर आ रही है अखिलेश यादव से, क्योंकि जब उपचुनाव हुए तब उन्हें पूछा तक नहीं गया। अब यहाँ पर राजा भैया बचते हैं, जिनको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ पर डिम्पल यादव ही, जिस तरीके से उन्होंने फोन करके शिवपाल सिंह यादव को मनाया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर राजा भैया को भी मनाते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए, काफी सारी रिपोर्ट्स आपके साथ साझा करते हैं राजा भैया को लेकर, और आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि राजा भैया को अखिलेश का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो वही राजा भैया जो एक समय पर लगातार अखिलेश के साथ नजर आते थे, और यहाँ पर दूरियों का कारण बनी थी मायावती, और अभी मायावती भी यहाँ पर दूरियां बनाते हुए लगातार नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रही है अखिलेश यादव पर, क्योंकि जब उपचुनाव हुए तब साफ तौर पे देखा गया था कि यहाँ पर मैनपुरी में जीत हासिल की थी सपा ने और रामपुर में जीत हासिल की थी भाजपा ने, और यहाँ पर साठगांठ का इल्ज़ाम लगाया गया था मायावती की तरफ से दोनों ही पार्टी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर छोटे छोटे दल अभी भी अखिलेश यादव का साथ देते हैं तो नगर निगम चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत देखने को मिल सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का तो साथ मिल गया है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे दल हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हार करा सकते हैं अखिलेश यादव की, अगर देखा जाए अगर वो बीजेपी के साथ जाके मिल जाते हैं तो। उन्हीं सारी बातों को लेकर जो है वो जोरों शोरों से यहाँ पर लगाया जा रहा है कि अगर डिम्पल यादव शिवपाल सिंह यादव को वापस ला सकती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए यहाँ पर राजा भैया को भी मना सकती है। और राजा भैया ने ये बात साफ तौर पे कही थी कि डिम्पल यादव जीत हासिल करेगी और वो जीत हासिल कर सकती है। उस समय तारीफों के पुल बांधते नजर आए थे। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से यही है कि क्या सच में डिम्पल यादव को यहाँ पर राजा भैया से मुलाकात करनी चाहिए? क्या उन्हें मनाना चाहिए यहाँ पर आने वाले चुनावों को लेकर? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।